Kasma, you tell me one thing, how past indefinite and past perfect related to each other. You can exactly tell me the definition of past perfect. और जब आप definition बनाएंगे तो past indefinite उसी के अंदर include हो जाएगा मेरे ख्याल से. Yes, sir. Let's continue. हर वो बात जो गुजरे हुए वक्त में हुई है वो past indefinite tense होता है, लेकिन जैसे ही दो गुजरे वक्त में दो कामों का जिक्र एक साथ आ जाए तो उसमें से एक past indefinite होता है और एक past perfect. जो पहले हुआ था वो past perfect और जो बाद में हुआ था वो past indefinite होगा. कोई भी दो गुजरे हुए काम आगे पीछे हुए थे तो उसमें से एक पास्ट परफेक्ट होगा और एक पास्ट इंडेफिनिट. कौन सा वाला पास्ट परफेक्ट होगा? जो पहले हुआ था वो पास्ट परफेक्ट होगा और जो बाद में हुआ था वो पास्ट इंडेफिनिट होगा. ओके, यस सर. सो कैन यू इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल? यस सर. खाना खाने के बाद वे स्टेशन गए थे. इसमें हमें सबसे पहले मेन बात जो है उसे तलाशना है. जैसे वे स्टेशन गए थे, अब ये देखना है हमें कि पहले हुआ था ये बाद में हुआ था. अगर पहले हुआ है तो पास्ट परफेक्ट और बाद में हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है मेन टास्क? बाद में हुआ है, खाना खाने के बाद. तो ये किसे बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट. वे स्टेशन गए थे, दे वेंट टू द स्टेशन आफ्टर दे हैड टेकन देयर फूड. सो ये क्या आपने जो सेंटेंस की स्टार्टिंग की वो किससे की थी? मेन टास्क से की. ये जरूरी होता है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग मेन टास्क से की जाए. सेंटेंस की जो इंग्लिश बनाई जाती है वो ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे करें. सेंटेंस की स्टार्टिंग आप मेन टास्क से ही करेंगे. आप मेन टास्क की इंग्लिश चाहे वो पास्ट परफेक्ट से बन रही हो चाहे पास्ट राइट, तो वो जो दो कंडीशन है वो डिसाइड करती है कि भैया मेन टास्क की इंग्लिश हम पास्ट परफेक्ट से बनाएं या पास्ट इंडेफिनिट से. अगर पहले हुआ है तो मेन टास्क, अगर पहले हुआ है तो पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे आप. मेन टास्क बाद में हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट राइट. अगर मेन टास्क पास्ट परफेक्ट से बन गया तो सेकंड टास्क जाहिर सी बात है पास्ट इंडेफिनिट बनेगा. अगर मेन टास्क पास्ट इंडेफिनिट से बन गया तो जाहिर सी बात है कि सेकंड टास्क जो है वो पास्ट परफेक्ट राइट. तो यही सब कुछ था जो पास्ट परफेक्ट में सीखने वाली बात थी. तो मेरे ख्याल से आप सबको आ गई है बहुत अच्छी से. ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू द रिवर्स ऑफ अवर सेंटेंसेस. एक ही सेंटेंस को रखे देखेंगे कि अगर पहले की कंडीशन में है तो कैसे बनेगी और बाद वाली कंडीशन में है तो कैसे बनेगी. राइट, चलो थैंक यू वेरी मच. टिल देन बाय बाय.